वर्ल्ड कप से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सजेगा ऐसा नजारा, देखकर हर क्रिकेट प्रेमी हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। जैसे ही वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की खबर आई, लोगों ने 2011 की वर्ल्ड कप का वो तस्वीर याद किया जिसमें कैप्टन कूल ने रिक्शे के साथ मारी थी एंट्री। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक साथ दिखेंगे 10 कप्तान। 3 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और श्रीलंका अफगानिस्तान का वार्म अप मैच, तो आखिर 4 अक्टूबर को कैसे पहुंच जाएंगे इन 6 टीमों के कप्तान? क्या वार्म अप मैच हो जाएगा कैंसिल? वनडे वर्ल्ड कप 12 साल बाद एशिया में होगा आयोजित। क्या 12 साल बाद फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगा हिंदुस्तान? भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। ओपनिंग सेरेमनी शहर में कहां होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित कराने की चर्चा चल रही है। इसी स्टेडियम में अगले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें 2019 के पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ी थी। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का ओपनिंग और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार वर्ल्ड कप पिछली बार की तरह राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेगी। सभी 10 टीमों के कप्तान ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अहमदाबाद में मौजूद होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC कैप्टन्स डे इवेंट में सभी कप्तानों का छोटा सा फॉर्मल सेशन भी रखेगी। ओपनिंग सेरेमनी में ICC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स भी मौजूद रहेंगे। ICC के साथ मेजबान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI के भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले हैं। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान 6 टीमों के कप्तान को जल्दबाजी में अहमदाबाद पहुंचना होगा, क्योंकि 6 टीमें सेरेमनी के एक दिन पहले ही 3 अक्टूबर को किसी और शहर में वार्म अप मैच खेल रही होंगी। ऐसे में इन टीमों के कप्तानों को मैच खत्म होते ही अहमदाबाद के लिए रवाना होना होगा। बाकी 4 टीमों के कप्तान 4 अक्टूबर को सुबह ही अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। 3 अक्टूबर को भारत नीदरलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच हैदराबाद में और श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच गुवाहाटी में वार्म अप मैच खेले जाएंगे। यानी भारत से कप्तान रोहित शर्मा, नीदरलैंड से स्कॉट एडवर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस और पाकिस्तान से बाबर आजम, श्रीलंका से दतुन सानका, अफगानिस्तान से हसमतुल्ला सहीदी को मैच खत्म होते ही अहमदाबाद पहुंचना होगा। वनडे वर्ल्ड कप 12 साल बाद एशिया में आयोजित हो रहा है और इससे पहले 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और संयुक्त मेजबानी में वर्ल्ड कप हुआ था। तब बांग्लादेश के ढाका शहर में ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। एशिया की झलक दिखाने के लिए सभी टीमों के कप्तानों को रिक्शा पर बैठाकर स्टेज तक लाया गया था। इसी तरह का माहौल इस बार भी 4 अक्टूबर को दिन देखने को मिल सकता है। 30 अगस्त से एशिया कप शुरू हो रहा है और इसको खत्म होते ही 17 दिन बाद भारत में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में होंगे, यानी अगला ढाई महीना 50-50 ओवर के क्रिकेट मैच का है। हालांकि वनडे फॉर्मेट को लेकर चिंता कुछ और ही है। पिछले 4 सालों में वनडे फॉर्मेट में T20 से शायद हारने को है।